अहम् ब्रह्मानगति भूयम् ये वेनर्ष दर्शिताम् अहम् भक्त्वाम् देवस्तम् ये वे सखा शुभ दर्शन। हे परमात्मा सद्गुरु गोविंद, ऐसी कृपा करो, ऐसा ज्ञान दो कि अब हमें ब्रह्म दर्शन हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए और हमारा प्रायश्चित हो जाए। जो गलतियां हो गई, जो गलत हो गया, उसका प्रायश्चित हो जाए हमारा। और गुरु शरण में जाने का मतलब ही प्रायश्चित करना है। अच्छा सच बताओ, स्कूल में बच्चे को क्यों भेजते हैं? बस इतना ही समझ लो। अच्छा हॉस्पिटल में मरीज को क्यों भेजते हैं? बस ये समझ लो, हॉस्पिटल में मरीज जिस तरह जाता है, जिस भाव से, अगर वो भाव उसका पूरा नहीं हुआ तो हॉस्पिटल की बदनामी होती है। अगर भाव हॉस्पिटल का, डॉक्टर का अच्छा है, पर मरीज परहेज नहीं करता, दवाई नहीं खाता, तो फिर उसे मौत का मुंह देखना, कष्ट भोगना पड़ता है, रोग बढ़ जाता है। तो तुम्हारा रोग बढ़ रहा है, मेरा कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि मैं तो तुम्हारा संगी हुई नहीं। मैं तो हॉस्पिटल खोल लिया है जिसमें जो मरीज आएगा, कामना का, वासना का, व्यथा का, अहंकार का, मद का, लोभ का, लालच का, उसका इलाज होगा। पर परहेज नहीं होंगे, दवा नहीं होगी, ज्ञान को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसके पथ नहीं पाले जाएंगे, उसको आचरण नहीं किया जाएगा, शरीर में ढाला नहीं जाएगा, तो फिर सारी दवाइयां कुछ काम की नहीं है, सारा ज्ञान, सारी संस्कृति कोई काम की नहीं है। हाँ, यहां से वहां चले गए, वहां से वहां चले गए, ना कुछ नहीं होगा उससे। जहां तुम तरने जा रहे हो ना, वहां पहले से ही लोग रहते हैं, तरने के लिए पहले से ही मौजूद हैं। कुछ लोगों का जन्म वृंदावन में हुआ है, पर नहीं, कैंसर से मर रहे हैं, रो रो के। वृंदावन में पैदा होके भी कैंसर छोड़ता नहीं, छोड़ता, क्योंकि भोक्तव्यम कर्मम आभान कर्मम विभूषितम मनुस्मृति मनु महाराज। किसी भी धाम में पैदा होने से कर्म पीछा छोड़ने वाला नहीं है। कुछ कर्म अच्छे हैं इसलिए धाम मिला है, चाहे 60 साल में मिला, चाहे 50 साल में मिला, चाहे जन्म हुआ और चाहे गुरुदेव की शरण में आके नया जन्म लिया, उसका सही सही प्रयोग होना चाहिए। समारंभम गति भूयम ये वे भागवतम तथा। तब सूत जी ने सौनक आदि 88,000 ऋषि से कहा कि श्रीमद भागवत कथा श्रवण करने से तुम्हारे सब मनोरथ पूरे हो जाएंगे, तुम्हें सहर्द ज्ञान मिलेगा, वैराग मिलेगा, भक्ति मिलेगी और तुम्हारे अंदर श्रद्धा का भाव जागृत होगा और तुम्हारा चरित्र का निर्माण होगा, तुम्हारे अंदर समर्पण पैदा होगा प्रभु के प्रति, गुरु के प्रति। क्यों? यावते श्रद्धाम फल। आदमी ज्यादा ज्यादा जुड़ता कैसे है? या तो उसके अंदर कोई ऐसा स्वार्थ हो तो जुड़ेगा किसी महात्मा से, अच्छे गुरु से, और या फिर उसे फल मिलना चाहिए, बढ़िया घर मिल गया, बढ़िया नौकरी मिल गई गुरु बना के, तो आदमी फिर जुड़ता जाता है, पक्का होता जाता है, बड़े फल मिल रहे गुरु बना के। हाँ, मिलते हैं गुरु बनाकर, गुरु सेवा करके ये सारे फल प्राप्त होते हैं, संसार पूरा अच्छा हो जाता है, किसी भी चीज की कोई कमी कभी नहीं रहती है। करोड़ों लाखों लोगों को मैं जानता हूं जिसमें बहुत सारे शिष्य भक्त हैं, हमारे पूरे देश में कोई कोना बाकी नहीं है। 36 वर्ष पूरे हो गए शिष्य बनाते 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 बनाते, शिक्षा देते 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 देते, और जब से लेके आज तक 100-200-500 शिष्य ऐसे होंगे जो छूट गए होंगे, चले गए होंगे, हट गए होंगे, दूसरे द्वार गए होंगे, कुछ होगा, पर 99% जब से अभी तक प्यार करते हैं, मानते हैं, सेवा करते हैं, और सब कुछ उनके पास वो हो चुका है जो व्यक्ति को चाहिए, सब उनके पास है, सब कुछ हो चुका है, कुछ नहीं था उनके पास। आपके पास भी सब कुछ है और बढ़े, आपके पास धन बढ़ेगा, मैं मुझे पता है कथाएं होंगी, आपके पास धन बढ़ेगा, मुझे पता है संतों की सेवा होंगी, आपके पास जो बढ़ेगा उससे आप परमार्थ करेंगे, क्योंकि आपकी बुद्धि ऐसी हो चुकी है, अब जो पांडाल में है उनकी बुद्धि वैसी ही है, अब कर्म करना, परमार्थ करना उनका निजी स्वभाव बन गया है, आप सबका है नहीं, इधर से उधर से लाके भी लोग करते मेरे यहाँ आके, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आनंद लगता है। और फिर आगे 2-4 महीने में उनकी झोली ठाकुर जी भर देते हैं, उनका चुक भी जाता है और नया आने के लिए ताजा खड़ा भी हो जाता है। परमार्थ की जड़ पाताल तक जाती है। हाँ,
पपीता के पेड़ में पानी देना भूल जाओ तो उसे सूखने में तनक भी देर लगती नहीं है, क्योंकि पपीता की जड़ ऐसे बढ़ती है, विकास जी जरा देखो यूं, बाकी पेड़ों की जड़ जिसकी नीचे की तरफ जाती है वो पेड़ कौन सा, पीपल। पीपल 4 फुट का हो जाए ना तब तुम हाथ से नहीं उखाड़ सकते उसे, दीवाल में से पीपल को उखाड़ने के लिए पसीना छूट जाते, 1 फुट का रहता है पीपल, क्योंकि वो डायरेक्ट जड़ जाती विपरीत दिशा में उसकी, बड़ा मुश्किल कर देता है। अच्छा पपीता बड़ा भी हो जाए तब भी हाथ से उखड़ के आ सकता है, क्योंकि ऊपर ऊपर ही नकली आर्टिफिशियल है, ऊपर ऊपर 14 महीने में फल फूल सब दे के फ्री हो जाना है उसको, 14 महीने की उम्र है किसकी, पपीता के पेड़ की कितनी उम्र, 14 महीने की उम्र है, गन्ने की बराबर उम्र पपीता की होती है, जितना गन्ना खेत में रहता है उतना ही पपीता भी खेत में रहता है। हाँ गन्ने को भी आप धड़ाक उखाड़ लेते हैं क्योंकि उसकी जड़ भी ऐसे ही बढ़ती है ऊपर की तरफ, डायरेक्ट जड़ नीचे जाने वाले पेड़ हैं जैसे इमली बड़ पीपल गुल्लर, ये ऐसे इनका डायरेक्ट संबंध है पाताल से, जिन पेड़ों में दूध निकलता है उनका संबंध पाताल से होता है, उन्हें उखाड़ना टेढ़ी खीर है, और जिनमें से दूध निकलता नहीं उन्हें उखाड़ने में ज्यादा टेंशन नहीं है। अच्छा बबूल का पेड़ उखाड़ने में ज्यादा कछु ना जावे, 7-5 फावड़े मारे के वो नीचे 1-2 फुट भी गड्ढा हुआ के उखड़ के बगल में आ जाता है। इसीलिए आप सब दूध देने वाले पेड़ हैं जो बैठे हैं यहाँ, इनकी जड़ पाताल तक है तो वो रहनी चाहिए, पर तुम तो ऐसे उखड़ रहे कि क्या कहना महाराज, तुमसे तो गेंदा कोई फूल अच्छो है, कम से कम तोड़ने में कुट पुट तो करे, तुम तो चुट पुट करके मर जा रहे, पता भी ना चल रहा, खटिया में 2 सो रहे हैं, 2 में से 1 निकल लियो रात को 1:30 बजे और दूसरे को पता ना कानों खा है, और दोनों सो रहे हैं, तकिया एक बिस्तर एक बेडरूम एक सब, और एक निकल लिया पता ही नहीं बिस्तर वाले को कब निकल, इतने सरल जा रहे हैं तुम्हारा,